अब मैं श्री विनायका हाई स्कूल बेतनहांडी में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को आठवीं कक्षा से संबंधित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। तो कविता का नाम है अभिनव गीत। तो क्या है बच्चों, कविता का नाम जो है वो है अभिनव गीत। तो चलिए छात्रों, हम लोग कवि हरिशंकर कश्यप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस कविता के कवि है हरिशंकर कश्यप। तो चलिए अपना अपना किताब खोलिए छात्रों, और किताब में हरिशंकर कश्यप जी के बारे में जानकारी दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं उसे पढ़ती हूँ। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजन व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आग पर पूजा के फूल, आपके रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। तो चलिए कवि हरिशंकर कश्यप के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। तो उन्होंने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध पाया है, और आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक एकांकी लिखी है, और उसके साथ साथ एकांकी के साथ साथ कुछ कविताएं, कुछ कहानियां तथा जीवनियां भी लिखा है। तो आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं हरिशंकर कश्यप जी लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार है छात्रों, फुलवारी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आग पर पूजा के फूल, आपकी रचनाओं के मूल तत्वों राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। तो छात्रों, हम लोग अभिनव गीत इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अभिनव का मतलब क्या है जानने से पहले इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शब्दार्थ क्या क्या है देखेंगे छात्रों। तो हरिशंकर कश्यप जी इस कविता के कवि है। कविता का नाम है अभिनव गीत। शब्दार्थ में पहला है अभिनव। अभिनव का अर्थ होता है नूतन या नया। फूल का मतलब तो पुष्प आप लोग तो जानते हैं। छवि, छवि का अर्थ होता है शोभा। अंतर, अंतर का मतलब है भीतर। तन, तन का अर्थ है शरीर, निज, अपना। जग, संसार और झरना, गिरना होता है। सुरभित, सुगंधित होता है। तो ये रहा छात्रों इस पद में आने वाले कठिन शब्द। तो चलिए और हम लोग कवि के बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग इस कविता के बारे में जानेंगे, और अब मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, आप लोग सुनते जाइए, और पढ़ने के बाद इस कविता का विवरण भी देती हूँ। इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। जो कविता का आशय इस प्रकार है कि इस कविता के द्वारा, इस कविता को पढ़ने से, समझने से बच्चे जीने की कला सीखते हैं। किस तरह से जीना है, किस तरह से जीवन बिताना है, इसके बारे में, इसका जो कला है वो सीखते हैं, और कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। जो भी कष्ट हो, जो भी दुख हो, उस समय में भी हंसते हंसते रहना, सबको सुख देना, सबको सुख देते हुए रहने की कला
लाना इस कविता का उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलखिल कर जलते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंदर की सुगंध से तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर। फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। और एक बार इस कविता को मैं पढ़ती हूँ, चलिए छात्रों। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिलखिल कर जलते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर। फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता का भावार्थ। फूल सदा हंसते रहते हैं, यहाँ पर अभिनव गीत का मतलब है नया गीत या नवीन गीत। अभिनव का शब्दार्थ है हमने है नूतन या नया, नूतन गीत या नया गीत कहलाता है। फूल सदा हंसते रहते हैं, तो जो फूल जो है हम लोगों ने तो सब लोगों ने देखा है फूलों सदा हंसते रहते हैं और खिल खिल कर जलते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो हमेशा खिलते रहते हैं और जलते रहते हैं। जलने का मतलब है गिरना। तो यहाँ पर खिल खिल कर वो हंसते हंसते रहते हैं और खिल खिल कर जलते रहते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, तो फूल देखने में कैसे है छात्रों, रंग बिरंगी होते हैं, बहुत ही रंगदार होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, देखने में अलग अलग दिखते हैं और बहुत ही सुंदर सा फूल रहते हैं। मोहक छवि से, छवि का मतलब है छात्रों शोभा। यहाँ पर देखिए छवि का अर्थ है शोभा। तो रंग बिरंगी मोहक छवि से, रंग बिरंगे देखने में दिखते हैं और मोहक शोभा से वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अपने अंतर की सुगंध से तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, अपने अंतर की सुगंध से रंग बिरंगी मोहक होते हैं, शोभा से मोहक रंग बिरंगी से शोभा बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ अपने अंतर की सुगंध से सब फूलों के अंतर में या सब फूलों के अंदर अपने अपने अलग अलग सुगंध रहता है। एक फूल की जो खुशबू है वो अलग है और दूसरे फूलों की खुशबू अलग अलग होता है। और इसीलिए अपने अंतर की सुगंध से, अपने जो अंतर है, जो फूल के अंतर में अलग अलग सुगंध से भरा है, क्योंकि 10 फूल वहाँ पर दूसरे फूल रखते हैं तो 10 फूलों का भी जो महक है, जो खुशबू है, वो अलग तरीके के होते हैं। तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं। यहाँ पर जो फूल जो है वो क्या करता है, तन से मन से निज जीवन से, तन मन से और वो अपना निज जीवन से भी सब को सुरभित करते हैं। इस जगह जो है, जो फूल कहाँ पर पैदा होता है, कहाँ पर खिलता है, उस जगह को वो सुरभित करता है। सुरभित का मतलब है सुगंधित, सुगंधित करता है वहाँ की जो वातावरण जो है, पर्यावरण जो है, वो बहुत ही महकता रहता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और फूल सदा हंसते रहते हैं। इतना ही नहीं, फूल सदा के लिए हंसते हंसते रहते हैं। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर। फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे
पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी अपना जीवन बिताते हैं, वहाँ पर हमें सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहनी चाहिए और उसके साथ साथ कष्ट सहो जीवन में हंसकर। और जीवन में जो भी कष्ट आता है उसे हमें उठाना है, कष्ट को सहना है, वो भी हंसते 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 जो कष्ट आता है उसे हमें सहना है। जियो सदा सबको सुख देकर, इतना ही नहीं सबको सुख देते हुए और हमें जीना चाहिए। फूल यही हमसे कहते हैं, फूल हमें यही संदेश देना चाहता है, यही कहने की कोशिश फूल कर रहे हैं। फूल सदा हंसते रहते हैं, इतना ही नहीं फूल तो हम लोगों ने देखा है वो सदा के लिए हंसते रहते हैं और वो किसी से कुछ नहीं मांगते और सदा के लिए हमें भी इसी तरह से फूल किस तरह से हंसते हंसते अपना जीवन बिताता है, दूसरों की सुख के लिए अपना सारा जीवन उसी में डाल देता है, इसी तरह हमें भी हंसते हंसते कष्ट को सहते हुए उसका सामना करते हुए कष्ट को भी हंसते हंसते स्वीकार करना है और फूल की तरह सदा के लिए हंसते रहना है। तो ये रहा छात्रों अभिनव गीत, नया गीत, बहुत ही एक अच्छा और सुंदर सा एक कविता है और यहाँ पर कवि हरिशंकर कश्यप जी ने फूल जिस तरह से रहता है हंसते हंसते ऐसे ही मानव को भी हंसते हंसते जीवन बिताना है, कैसे भी कष्ट समय आ जाए उसी का हमें हिम्मत से सामना करते हुए हंसने की कोशिश करने के लिए कहा है और हंसते रहने के लिए भी कहा है। तो ये रहे छात्रों अभिनव गीत। अब मैं इस कविता से संबंधित जो यहाँ पर व्याकरणांश दिए गए हैं उसकी जो सूची है मैं यहाँ शाम पढ़ कर लिखती हूँ। तो पहला जो व्याकरणांश इस प्रकार है कि नमूने के अनुसार कविता की पंक्तियों को गद्य में रूपांतरित कीजिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, जो कविता का एक वाक्य है उसे हमें जो पद्य के रूप में है उसे हम गद्य के रूप में लिखना है। यहाँ पर नमूने के अनुसार लिखा गया है, एक उदाहरण दिया गया है, इसी तरीके से हमें भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला जो नमूना है, रहो सदा सबसे हिम्मत कर, रहो सदा सबसे हिम्मत कर, इसे हम लिखते हैं तो सदा सबसे हिम्मत कर रहो। छात्रों सदा सबसे मिलकर रहो। तो चलिए यहाँ पर कुछ शब्द है जिसे मैं लिखती हूँ, गद्य के रूप में रूपांतरित करना है। यहाँ पर लिखती हूँ पद्य का रूप जो है, पद्य का रूप गद्य में लिखिए। गद्य का पद्य का जो रूप है उसे हम गद्य में लिखना है, जैसे कि कष्ट सहो जीवन में हंसकर। यहाँ पर एक जो वाक्य है कष्ट सहो, ये जो वाक्य है ये पद्य में है, हमें उसे गद्य के रूप में रूपांतरित करना है। तो चलिए करते हैं, जीवन में कष्ट को हंसकर सहो, जीवन में कष्ट को हंसकर सहो। जीवन में कष्ट को हंसकर
देखकर जियो क्लियर है छात्रों पद्य का रूप गद्य में लिखना तो चलिए सब भी कुछ यहां पर जो व्याकरणांश है इसे हम देखते हैं यहां पर उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिला लिए जोड़कर लिखिए या शब्दों को मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं या जोड़कर लिखते हैं यहां पर छात्रों पहला जो शब्द है देखते हैं गुलाब वो है गुलाब दूसरा जो है वो है सूर्यमुखी सूर्यमुखी चलिए बाप विभाग में लिखते हैं तेल पहला है तेल दूसरा कीचड़ तीसरा कांटा तीसरा जो है कांटा चौथा जो है वो है सुगंध चलिए इसे हमें जोड़ना है गुलाब गुलाब क्या है छात्रों गुलाब तो कांटा गुलाब में क्या होते हैं कांटे होते हैं तो इसलिए गुलाब कांटा सूर्यमुखी सूर्यमुखी जो फूल है उसे तेल बनाया जा सकता है जो हम लोग सूर्यकांति भी कहते हैं तो सूर्यमुखी जो है वो है उनसे तेल बनता है चमेली चमेली जो है वो सुगंध से भरा हुआ फूल है और कमल कमल जो है वो कीचड़ में रहता है कमल क्या है वो कीचड़ में रहता है तो चलिए बच्चों ये रहा जोड़कर लिखिए और इस बार मैं इसे बोल देती हूँ चलिए छात्रों पहला जो शब्द है गुलाब दूसरा सूर्यमुखी तीसरा चमेली कमल गुलाब सुगंध सूर्यमुखी जो है गुलाब जो है कांटा गुलाब में कांटे होते हैं सूर्यमुखी फूल से तेल बना सकते हैं चमेली तो सुगंध से भरा हुआ फूल है कमल जो है वो कीचड़ में रहता है ये रहा जोड़कर लिखिए चलिए और भी कुछ यहाँ पर व्याकरणांश है इसे भी देखते हैं छात्रों कविता के आधार पर निम्नलिखित तालिका बनाइए यहाँ पर जो अभिनव गीत कविता हमने देखा है तो यहाँ एक तालिका दिया गया है कीजिए मत कीजिए कुछ करने की और कुछ ना
सेट रखने के लिए एक जो है वो करना है, मत कीजिए। क्या नहीं करना है? कभी उदास मत रहो, कभी भी उदास मत रहो, इस तरह से। तो चलिए हम लोग भी इस तालिका के आधार पर कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो चलिए आप लोग लिख दीजिए क्या करना है और क्या ना करना है। उदास मत रहना है। क्या करना है? हमेशा
और सदा परिश्रमी बनो करने की जो सीख है उसमें सदा परिश्रमी सब बहुत कष्ट से हमें आगे बढ़ना है परिश्रमी बनना है इसलिए सदा परिश्रमी बनो और कभी भी स्वार्थी मत बनो क्या करना है कभी भी हमें स्वार्थी नहीं होनी चाहिए तो ये रहा छात्रों करने की और ना करने की ये छोटी सी सीख तो चलिए अभी कुछ यहाँ पर व्याकरण अंश है उसे भी देखते हैं मिलती जुलती ध्वनियों वाले शब्द लिखिए जैसे के उदाहरण है मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द हंसते झरते धरते पढ़ते जो दुनिया में हंसते झरते डरते और पढ़ते तो चलिए ऐसे ही लिखते हैं तन एक शब्द दिया गया है इससे मिलती जुलती ध्वनियों को देखते हैं वो भी यहाँ पर लिख देते हैं चलिए छात्रों मिलती जुलती ध्वनिया तो चलिए हम यहाँ पर सही शब्दों से वाक्य
छात्र के जवाब में लिखते हैं सभी शब्द से वाक्य पूरा कीजिए छात्रों सही फूल सदा चिंता में रहते हैं
साथ दिन मुंडन मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। हमेशा सबसे झगड़ा करके रहो, ये तो गलत है। हमेशा सबसे झगड़ा करके नहीं रहना है। हमेशा सबसे भेदभाव करके रहो, ये भी गलत है। हमेशा सबसे भेदभाव में करके नहीं रहना है। सबको सदा सुख देकर जियो, ये भी बिल्कुल गलत है। सबको हमें दुख नहीं सुख देना है। सबको सदा पैसा देकर जियो, सबको पैसा देते हैं तो हमारे पास तो पैसे नहीं होते और जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है, ये भी गलत है। सबको सदा सुख देकर जियो, सबको सदा सुख देना है, दूसरों को सुख देकर हमें जीना है, ये तो बिल्कुल सही है। तो चलिए छात्रों, इस जो वाक्य में सही वाक्य जो है, फूल सदा खुशी से रहते हैं, ये सही है। दूसरे में हमेशा सबसे उम्मीद कर लो, ये भी सही है। तीसरे में सबको सदा सुख देकर जियो, ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पर जो अभिनव की कविता में जो भी व्याकरणांश आए हुए हैं वो समाप्त होते हैं। अब मैं आप लोगों को गृह कार्य देती हूँ, वो भी मैं यहाँ पर शाम पट पर लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो ये रहा
का अभिनव गीत कविता छात्रों अब मैं इस कविता को समाप्त